अब हम आपको साल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में बताते हैं। तो जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो बनता है साल्ट और वाटर। जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो बनता है साल्ट और वाटर, ठीक है। अब न्यूट्रलाइज, आगे का प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन है और बैकवर्ड रिएक्शन आपकी साल्ट हाइड्रोलिसिस है, यानी रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नोन एज साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट में जब आप वाटर मिलाएंगे तो एसिड बनेगा और बेस बनेगा, इसे आप कहेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। आपके पास जो एसिड है, अब साल्ट हाइड्रोलिसिस कितने तरह का होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको बता दिया था मैंने कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ जो साल्ट है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ाते वक्त, वही चीज़ें आएगी। बाकी तीनों रिवर्सिबल के एग्जाम्पल थे इसलिए तीन पार्ट में ये पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये पढ़ने चल रहे पहला केस, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास कोई बी ए टाइप का साल्ट है प्लस माइनस, इसमें हमने वाटर डाला, ये ब्रेक हो करके डिजॉल्व हो करके बी ओ एच और एच ए दिया, ठीक है। आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, एसिड वाला, तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा यानी आयनाइज फॉर्म में रहेगा एच प्लस ए माइनस में, ये इसके कंपैरिजन में लेस आयनाइज रहेगा, तो ऐसे ही आप रख दो। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है यानी स्ट्रांग के कंपैरिजन में लेस आयनाइज रहेंगे और ये कंप्लीट आयनाइज रहेंगे क्योंकि एक पोर्शन स्ट्रांग है। कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ए माइनस से ए माइनस, स्पेक्टेटर आयन की तरह, यानी आप कह सकते हैं कि इस कैटायन की हाइड्रोलिसिस से ये कैटायन मिल रहा है, तो इसलिए ऐसी हाइड्रोलिसिस कहलाती है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है कि एनायनिक। दूसरा, जब आप बी प्लस और वाटर ये कैंसिल होने के बाद जो रिएक्शन तैयार हो रहा है, बी प्लस और वाटर तैयार किए फाइनल रिएक्शन का, तो ये बना बी ओ एच और एच प्लस, तो इसका हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालें तो क्या आएगा, बी ओ एच एच प्लस अपान बी प्लस, वाटर को हम वैसे ही रख लिए क्योंकि वाटर के कंसंट्रेशन 55.5 फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, उस कंसंट्रेशन और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आया हुआ है, यानी अगर एक कोई कांस्टेंट था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वो कितना होता है, ये इंटू ये अपन ये इंटू ये, तो वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वाटर की कंसंट्रेशन जो कि कांस्टेंट वैल्यू है मल्टीप्लाई होने के बाद ही यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ साल्ट आया है, ठीक है ना। तो क्या चाहिए हो गया, अब जो वीक पोर्शन है वो बहुत कम आयोनाइज होंगे, तो आयोनाइज होकर के ब्रेक होकर के क्या देने, तो ये तो पहला इक्वेशन बना। अब वाटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वाटर जब ब्रेक होता है तो देता है H प्लस और ओ एच माइनस, तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, वही H प्लस ओ एच माइनस, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दूसरा वीक पोर्शन क्या है, बी ओ एच, ये ब्रेक होगा तो क्या देगा, V प्लस प्लस ओ एच माइनस, के वी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ बेस है, V प्लस ओ एच माइनस अपॉन वी ओ एच। इन तीनों इक्वेशंस में
एक रिलेशन होगा, निश्चित एक रिलेशन होगा। तो के डब्ल्यू बाई के वी करो, तो हम निकालते हैं क्वेश्चन सेकंड डिवाइडेड बाई क्वेश्चन थर्ड। तो के डब्ल्यू बाई के वी निकालने चल रहे हैं, के डब्ल्यू बाई के वी। के डब्ल्यू की वैल्यू एच प्लस ओ एच माइनस अपॉन बाई के वी है, तो ये पोर्शन यहाँ आ गया, वी प्लस ओ एच माइनस, और ये पोर्शन जो नीचे है वो ऊपर चला गया, वी ओ एच, ये कैंसिल हुआ। ध्यान से देखो, एच प्लस ये इक्वल टू ये बन रहा है, यानी आया आपके पास के डब्ल्यू अपान के वी इक्वल टू के एच। तो के एच की वैल्यू क्या आ रही है, के एच की वैल्यू आ रही है के डब्ल्यू अपान के वी। ध्यान समझना, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हमेशा आएगा के डब्ल्यू अपान, वो पोर्शन आएगा के वी। के वी यहाँ क्या है, जो वीक है उसका कांस्टेंट है। के डब्ल्यू यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये के डब्ल्यू यहाँ क्या है, के डब्ल्यू ये निकाले जो, और यहाँ जो के वी है वो क्या है, जो इसमें वीक है, यानी के डब्ल्यू अपान वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका मतलब अगर ये वीक एसिड हो जाता तो के डब्ल्यू अपान के हो जाता, के एच की जगह अगले केस में वही आएगा। ठीक, अब ये जो रिएक्शन आपके पास आई है वी प्लस प्लस वाटर वी ओ एच एच प्लस, अगर ये सी कंसंट्रेशन है शुरू में तो यहाँ बना ही नहीं, वाटर एक्सेस में ही है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। सी में से सी अल्फा, यहाँ अल्फा की जगह एच लिखते हैं, नाम वही है, वहाँ क्या था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ सी एच और सी एच तैयार होगा। तो के एच की वैल्यू क्या आने वाली है, के एच की वैल्यू आने वाली है ये इंटू ये अपन ये, यानी सी एच इंटू सी एच अपॉन सी कॉमन वन माइनस एच, ये आएगा सी एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच। एच बहुत छोटी वैल्यू है वन से, इसलिए वन माइनस एच की जगह हम वन यूज़ करेंगे, के एच आ गया सी एच स्क्वायर। इस तरह से एच की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई अंडर रूट के एच बाई सी। के एच की वैल्यू आप यहाँ से रख दो, के डब्ल्यू अपॉन के वी सी, ये एच आ गया, यानी एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी, और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, क्योंकि वी और सी एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। ठीक है, तो एच वन अपॉन एच टू क्या हो जाएगा, रूट सी टू बाई सी वन, या एच वन अपॉन एच टू क्या हो जाएगा, रूट बी वन बाई बी टू। ये तो इनकी बात हुई, अभी पी एच बचा है। पी एच निकालने के लिए क्या चाहिए, माइनस लॉग एच प्लस चाहिए, माइनस लॉग एच प्लस। अब एच प्लस की वैल्यू यहाँ क्या दी है, सी एच। ठीक है, तो पहले एच प्लस की फाइनल वैल्यू निकाल लो, सी इंटू एच, और एच की वैल्यू दी है यहाँ, ये हो जाएगा सी इंटू रूट के डब्ल्यू अपॉन के वी इंटू सी। इस सी को अंदर भेजेंगे तो स्क्वायर के फॉर्म में अंदर जाएगा, सी इंटू के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के वी इंटू सी। ये सी कैंसिल, इस सी को हमने अंदर भेज दिया, एक सी से एक सी कैंसिल, ये वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आई के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के वी की पावर हाफ। ये आया आपका एच प्लस का कंसंट्रेशन। अब ये जो एच प्लस का कंसंट्रेशन आया है इसको यहाँ रख दिया जाए, तो पी एच की वैल्यू क्या आएगी, माइनस लॉग एच प्लस, यानी के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के वी की पावर हाफ, क्या आएगा, माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग सी
माइनस माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हाफ लॉग के वी माइनस लॉग के डब्लू, तो ये हाफ तो ले लो बाहर। अब माइनस लॉग के डब्लू से हो गया पी के डब्लू, अब पी के डब्लू होता है 14, और जहाँ माइनस नहीं है यहाँ माइनस लगा के बात करें तो ये हो गया पी के बी माइनस लॉग के डब्लू, यहाँ तो प्लस है ना, तो अगर हम पी के बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, तो माइनस लॉग के बी, माइनस लॉग के बी की जगह पर क्या हो जाएगा पी के बी, तो ये माइनस आ जाएगा। अब माइनस इसमें लगाना ही नहीं है, हाफ लॉग सी, हाफ आपने कॉमन ले रखा है, ये आ गया लॉग सी, ये आया पी एच। अब पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 रख दिया जाए तो ये 7 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या निकलेगी 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, ये आया आपका पी एच। ये जो आपको मैंने ड्राइव करके दिया वो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहला तो ये पूछा जाता है हाइड्रोलिसिस कैसी है, तो हाइड्रोलिसिस जब आप कर रहे हैं तो जो पोर्शन स्ट्रांग है उसको कंप्लीट आयनाइज करा दीजिएगा, उसके कॉमन आयन को जैसे ही क्रॉस करेंगे यानी कैंसिल करेंगे तुरंत पता चल जाएगा बचा हुआ जो कैटायन है तो कैटायनिक, एनायन है तो एनायनिक, दोनों बच गए तो कैटायनिक एनायनिक। ठीक, फाइनल इक्वेशन से आप के एच की वैल्यू निकालोगे, फिर जो चीज़ें बच गई हैं, जो चीज़ें बच गई हैं उनसे आप क्या निकालोगे, उनको डिसोसिएट करा करके उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या उन कांस्टेंटों के बीच में रिलेशन निकालोगे जो हमेशा के डब्ल्यू अपॉन वीक पोर्शन के कांस्टेंट से कैच देगा। दो वीक पोर्शन होंगे यानी साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस होगा तो के डब्ल्यू अपॉन के वी से निकलेगा। फिर यहाँ से हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपके बारे में बताया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के एच हो जाएगा ये इंटू ये अपॉन ये निकल आएगा सी एच स्क्वायर और वहाँ से एच आ जाएगा, और के एच की वैल्यू जो आपने यहाँ निकाला वो रख देना, यानी ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, फिर सीधे ये पूछा जाता है। हाइड्रोलिसिस किस पे डिपेंड करेगी, उनके क्वेश्चन, और फिर पी एच। पी एच में एक चीज़ आपको और बता दूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है, बेस एसिड वाला पोर्शन स्ट्रांग है तो पी एच 7 से नीचे ही जाएगा, इसलिए ये जो वैल्यू आ रही है वो 7 से कम ही आएगी, यानी दोनों वैल्यूज निगेटिव होंगी, माइनस होंगी। दूसरी काम की चीज़ जो आपको जानना है वो ये है कि 7 में से ये वैल्यूज माइनस तो होंगी, लेकिन कौन कौन सी माइनस होगी, तो लॉग सी तो माइनस होगी होगी क्योंकि सी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, माइनस ऑफ लॉग सी। और यहाँ क्या होगा पी के वी, क्यों पी के वी होगा, क्योंकि के थोड़ी ना मिलेगा, जो वीक पोर्शन है उसका मिलेगा, के वी की वैल्यू मिलेगी तो पी के वी रखा जाएगा, यानी सारे पोर्शन में सारे के सारे जो आपने ड्राइव किया उसमें साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड और वीक बेस में आपको क्या चीज बताई जा रही है कि स्ट्रांग एसिड है तो उसके के नहीं मिलने हैं लेकिन वीक बेस है तो के बी ही यूज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका सिर्फ के बी ही मिला है, के डब्ल्यू के अलावा के बी या के एच, ठीक है ना, वीक पोर्शन का ही कांस्टेंट मिलेगा। तो अगर इसी को हम, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा एसिड वाला पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए, तो एसिड वाला पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए यानी कौन सा होना चाहिए, एच सी एल का सी एल, एच एन ओ थ्री का एन ओ थ्री, और एच टू एस ओ फोर का एस ओ फोर, एच बी आर का बी आर, जो आपको बताया हूँ, और सारे एच हटा करके इसको आप क्या कर दो, सॉल्ट बनाना, ये एसिड थे, सारे एच हटा करके आपको सिर्फ अमोनियम लगा देना है, यानी ये बन गया अमोनियम क्लोराइड, इसका केस ये है साल्ट, ये नहीं है, ये तो एसिड है, इससे बनाना है तो NH4NO3 हो जाएगा, ये अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। अब वही चीज, यहाँ दो अमोनियम आ जाएगा, एक अमोनियम सल्फेट मोल में दो आ जाएगा, तो उस समय C की वैल्यू चेंज होकर के 2 times हो जाएगी, जैसे अभी बफर में मैंने कराया था, ठीक है। अब अगर यही सॉल्ट किसका हो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस कर दें और वीक एसिड कर दें, स्ट्रांग बेस और वीक एसिड कर दें, तो एक रिएक्शन तो आपको दिखा दूं यहां से, स्ट्रांग बेस करते ही ये बी प्लस ओ एच माइनस में हो जाएगा और ये वीक एसिड की तरह एच ए में हो जाएगा, ठीक है, अब ये आयोनाइज नहीं हुआ, क्लियर है,
अब ये अनाइज नहीं हुआ, बी प्लस ओ एच माइनस है, तो बी प्लस ए माइनस वाटर से, अब बी प्लस से बी प्लस हो गया कैंसिल, तो ये बी प्लस से बी प्लस कैंसिल हो गया, तो ए माइनस इधर बचा, ओ एच माइनस वहां बना, तो इस कैटायनिक के जगह क्या बन जाएगा, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस। पहला चेंज आ गया, पहला चेंज आ गया। दूसरा ड्राइव करना है तब तो करें, नहीं तो डायरेक्ट आपको सीधे काम की चीजों में लेके चलते हैं। वो जब चलो थोड़ा सा आपको बता दें कि आगे बढ़ोगे कैसे, आप ए माइनस वाटर से रिएक्शन किया, आया ओ एच माइनस और एच, यहाँ वीक ये है और ये, ठीक है, तो इसका के एच लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, ओ एच माइनस एच ए अपान ए माइनस, अब वीक ये है ये है, उनको ब्रेक करो, वाटर टूटेगा H प्लस ओ एच माइनस, के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, एच ए टूटेगा H प्लस ए माइनस, यहाँ K की वैल्यू क्या आएगी, H प्लस ए माइनस अपॉन एच ए। श्योर है कि आप ये अपान ये करो, ये वैल्यू आनी है जो आपको बताए थे कि के एच की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, के डब्ल्यू अपान वीक पोर्शन, तो के डब्ल्यू अपान वीक पोर्शन जैसे करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, के डब्ल्यू अपान के करके आप देख सकते हो, के डब्ल्यू अपान के, के डब्ल्यू की वैल्यू एच प्लस ओ एच माइनस क्या आ रहा है, एच प्लस ओ एच माइनस अपान के की वैल्यू, एच प्लस ए माइनस अपान एच ए, ये ऊपर चला गया, तो एच प्लस कैंसिल, ये जो वैल्यू है देख लो के एच के बराबर, ये रिलेशन आ गया। सेम यही रिलेशन यहाँ आएगा लेकिन के एच की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, तो के एच की वैल्यू यहाँ हो जाएगी के डब्ल्यू अपान के सी, ठीक है। और अगर यहाँ देखोगे तो रिएक्शन में पीएच की वैल्यू, एच आयन की वैल्यू नहीं आई है, ओ एच आयन की वैल्यू आई है, तो यहाँ जो आपने पीएच निकाला है इससे, तो उस समय आपको पीओएच निकालना पड़ेगा। अब पीओएच के बाद जब आप काम करेंगे एच के लिए, एच के लिए पीओएच निकल आएगा, पीएच वहाँ पे क्या आएगा, पीओएच। अब पीओएच अगर निकल आएगा तो 14 में से माइनस करके निकाल सकते हो, एक तरीका ये है, या आपको हम इसको सॉल्व करके ही दिखा दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना तो रहेगा ही, यहाँ पे इस रिएक्शन में आपको चलना पड़ेगा, या आपने रिएक्शन लिया पीएच कैलकुलेशन के लिए, क्या रिएक्शन है, ए माइनस एच टू ओ ओ एच माइनस और एच ए, सी माइनस सी एच सी एच सी एच, सेम वही रिएक्शन, तो के एच की वैल्यू क्या होगी, सी एच, ये तो आपको निकाला जा चुका है, ये वही सेम चीज है, कर लो के एच इक्वल टू सी एच इंटू सी एच अपॉन सी कॉमन ले लो, वन माइनस एच टेंड्स टू जीरो कर दिया था, तो सी से सी कैंसिल हो गया, ये वन आ गया था, ये आ गया था सी एच स्क्वायर, एच इक्वल टू अंडर रूट के एच बाई सी, और के एच की वैल्यू यहाँ से उठा के आपने डाल दी थी। अब वहाँ जैसे पी एच आप निकाले थे माइनस लॉग एच प्लस से, यहाँ पी एच के बजाय पी ओ एच निकालो, और बाद में किससे माइनस कर दो, तो पी एच वहाँ किससे आपने निकाला था, पी एच की वैल्यू क्या आई थी, पी एच आई थी सेवन माइनस हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी, ये आई थी पी एच की वैल्यू, लेकिन यहाँ क्या है, ओ एच आयन का कंसेंट्रेशन, तो पी ओ एच की वैल्यू यहाँ क्या आने वाली है, सेवन माइनस हाफ, नहीं वहाँ पी के भी आई थी, सेवन माइनस हाफ, इसमें वीक कौन सा है, वही आएगा वीक है, वीक एसिड, ये आएगा पी के माइनस हाफ लॉग सी, यहाँ पे क्या आया था पी एच, इसके पहले वाले केस में पी एच आया था सेवन माइनस ए, क्योंकि वहाँ से एच एन मिला था,
यहाँ ओ एच आयन मिला है तो पी ओ एच आएगा, पी ओ एच आएगा तो पी के बी की जगह सिर्फ पी के ए हो जाएगा, बाकी चीज़ें वही। और जब इसलिए इसका पी एच जब निकालोगे, ये पुराने वाले केस का था, केस फर्स्ट का, अब हम केस सेकंड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 14 में से क्या करोगे, माइनस करोगे, 14 माइनस क्या पी ओ एच। अब 14 में से जब इसको माइनस करोगे तो 14 में से ये माइनस होगा तो ये तो 7 आ जाएगा, और ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। ये देखो, और वैसे भी आपको ये वैल्यू प्लस ही लानी थी, क्यों, क्योंकि ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, यानी ये पोर्शन स्ट्रांग होना जरूरी था। तो स्ट्रांग है तो स्ट्रांग है तो पी एस 7 से ज़्यादा होना जरूरी है। तो यहाँ स्ट्रांग के रूप में किसका नाम लेते हो, स्ट्रांग बेस एन ए ओ एच, के ओ एच, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड। इनके ओ एच को हटा करके अगर उसकी जगह पे आप सी एन रख दें, उसकी जगह पे आप सी एस थ्री सी ओ ओ रख दें, उसकी जगह पे एच टू पी ओ टू रख दें, तो समझ जाना ये जो साल्ट तैयार होगा पहला होगा एन ए सी एन, इससे जो तैयार होगा होगा सी एस थ्री सी ओ ओ के। तो ये आपके कौन से साल्ट हैं, ये जो साल्ट तैयार हो रहे हैं यह सारे साल्ट आपके स्ट्रांग बेस और वीक एसिड से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अब हम आपको तीसरा केस बताते हैं। तीसरे केस में आपको बताया गया है जब दो वीक, मतलब ऐसे साल्ट की हाइड्रोलिसिस जब वो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो। तो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर अगर बना है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों पोर्शन वीक होना है, यानी NH4CN की बात कर रहा हूँ, CH3COONH4 की बात कर रहा हूँ, ये BA टाइप का साल्ट है, पानी पड़ा तैयार हुआ BOH और HA। ये जो BA टाइप का साल्ट है इसमें वाटर पड़ते ही वो BOH और HA में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस लिखोगे, मैंने क्या कहा था, ये दोनों वीक हैं तो वीक ही रहेंगे तो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, मतलब ये आयोनाइज नहीं होंगे। तो KH की वैल्यू क्या आएगी, BOH HA अपॉन बी प्लस ए माइनस। अब आपके पास तीन तीन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर ब्रेक हुआ H प्लस और H माइनस, इसका KW आया H प्लस और H माइनस, BOH ब्रेक हुआ इस सेकेंड इक्वेशन, आयोनाइज हुआ पार्सली तो B प्लस ओ एच माइनस, और जब इसका KB निकाले तो ये आया B प्लस ओ एच माइनस अपॉन BOH। ये आपका थर्ड केस हुआ। HA ब्रेक हुआ ये दिया H प्लस A माइनस, इसका K निकाले तो ये निकल कर आया H प्लस A माइनस अपॉन एच। ये आपको मिल गई, क्यों सबको आयनाइज कराया, क्योंकि ये वीक थे, अगर वीक ना होते तो हम आयनाइज ना कराते, स्ट्रांग वाले हम जैसे कंप्लीट आयनाइज क्वेश्चन में ही करवा करके कर दिए थे। कैटायन एनायन दोनों बच गया है तो इसलिए दोनों तरह की हाइड्रोलिसिस है। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है, दोनों बचे हुए हैं, इधर कोई स्ट्रांग पोर्शन नहीं था, को कैंसिल होता है, इसलिए ये कैटायनिक और एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। पहला तो ये हुआ। दूसरा, जब आप के डब्ल्यू अपान के के वी की वैल्यू निकालो, के डब्ल्यू अपान के वी की वैल्यू निकालने चल रहे हम लोग, के डब्ल्यू की वैल्यू रख दो एच प्लस ओ एच माइनस अपान के की वैल्यू के एच प्लस ए माइनस अपान एच ए, जो होना चाहिए वो चला गया ऊपर,
के बी की वैल्यू रखो, बी प्लस ओ एच माइनस अपॉन जो बी ओ एच की वैल्यू होनी चाहिए वो चला गया ऊपर, ठीक है। ये गए जो वैल्यू आ रही है वो के एच के बराबर है, इसलिए यहाँ पे जो के डब्ल्यू अपॉन के बी है वो के एच को बताता है। तो वो पुरानी वाली चीज़ हो गई ना, के एच हमेशा के डब्ल्यू अपॉन वीक पोर्सन होता था, यहाँ दोनों वीक थे तो दोनों वीक आ गए, ठीक है। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वगैरह को देखो, बी प्लस ए माइनस पानी में डाले, ये साल्ट का पार्ट है, बी प्लस ए माइनस वाला साल्ट से निकला हुआ, तो बना बी ओ एच और एच, तो ये सी सी कंसंट्रेशन के हैं, इसमें से सी एच माइनस हो गया तो इनके बने कितने सी एच, तो के एच की वैल्यू क्या आएगी, सी एच इंटू सी एच अपॉन सी माइनस सी एच इंटू दूसरा वाला सी माइनस सी एच। अब आपको क्या करना है, सी कामन लेकर के इससे काट दो, इनमें से सी कामन लेकर इससे काट दो, ऊपर हो गया एच स्क्वायर और नीचे वन माइनस एच, इसका सी कैंसिल हो गया, तो जब इसका सी कामन लेकर कैंसिल किए तो ये भी हो गया वन माइनस एच, यानी वैल्यू आ गई एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच का होल स्क्वायर। एच वैसे भी बहुत कम होता है वन से, अब बहुत दोनों वीक पोर्शन है तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इसलिए हम वन माइनस एच की जगह पर वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो के एच की वैल्यू क्या आ रही है, एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या आ रही है, रूट के एच, यानी के डब्ल्यू अपान के भी, ध्यान से समझना, यही एक ऐसा है जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन पर डिपेंड नहीं करता, जब दोनों पोर्शन वीक हो तब, यहाँ दोनों पोर्शन वीक नहीं था, दोनों पोर्शन में से एक भी पोर्शन वीक हुआ तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आप निकालेंगे पीएच, पीएच कैसे हम निकालेंगे, पीएच निकालना है तो ये जो आपका एच ए इसमें तैयार हुआ, अगर ये आयनाइज फॉर्म में वहाँ मौजूद है तो मौजूद तो है क्योंकि एच ए ये है ए माइनस ये, तो किस तरह से लिखा जाएगा, एच ए इस तरह से, के की वैल्यू क्या हुआ, एच प्लस ए माइनस अपॉन एच ए, इनको ब्रेक क्रॉस मल्टीप्लाई करो के इंटू एच ए, ये वैल्यू आएगी एच प्लस इंटू ए माइनस, हमें एच प्लस से मतलब है, एच प्लस की वैल्यू क्या आई, के एच ए अपॉन ए माइनस, वैल्यूज रख दी जाए, एच ए की भी वैल्यू आपके पास है सी एच, और ए माइनस की भी वैल्यू आपके पास है, तो सी कामन ले करके वन माइनस एच कर दो, सी से सी कैंसिल कर दो और वन माइनस एच की जगह एच ही रहे, वन रहने दो क्योंकि एच बहुत छोटा है, ये आ गया के इंटू एच, यानी वीक पोर्शन के लिए, यानी दोनों पोर्शन जब वीक है तो उस समय एच प्लस की वैल्यू आ रही है के इंटू एच, जब ये आ रही है तो एच की वैल्यू यहाँ से उठाओ, कहाँ गया एच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ये के और अंडर रूट के डब्ल्यू अपान के इंटू के भी इसके एक अंदर भेज दो, के डब्ल्यू इंटू के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो गया अपान के इंटू के भी इसका अंडर रूट, एक के से के कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या हो गया, के डब्ल्यू के अपान के बी की पावर हाफ, ठीक है ना। अब पीएच अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, माइनस हाफ लॉग एच प्लस, एच प्लस की वैल्यू ये आ चुकी है तो डायरेक्ट आप रख दो इसको, के डब्ल्यू के अपान के बी की पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा,
अच्छा आप पहले ही कर दिए, माइनस लॉग एच प्लस करो, पी एच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, और एच प्लस की ये वैल्यू पूरी रख दी। अब इसको आगे ले आओ, ठीक है ना। तो जब आप इसको आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग के प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हाफ लॉग के बी। तो माइनस लॉग के डब्ल्यू से पी के हो, पी के डब्ल्यू हो गया, पी के डब्ल्यू वैल्यू 14 होती है, 14 का आधा 7 होता है। माइनस लॉग के से पी के हो गया तो 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, ये आया पी एच। जब पी के ए की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी पी के बी से तो पी एच 7 से ज़्यादा चला जाएगा, यानी बफर सोलूशन आपका बेसिक होगा। अब पी के ए की वैल्यू कम हो गई पी के बी से तो उस समय सोलूशन एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको हाइड्रोलिसिस के बारे में बताया गया। लेकिन ये पार्ट आप कब लगाएंगे, कब इस्तेमाल करेंगे, ये आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब जब आपके पास, मैंने कहा था ना, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद जो पार्ट आपका तैयार हुआ वो सॉल्ट है, और लेफ्ट हैंड साइड में, कहने का मतलब रिएक्टेंट साइड में ना तो एसिड बचे ना बेस बचे, तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा ये है किस तरह का साल्ट, तो है किस तरह का साल्ट। तो अगर दोनों पोर्शन स्ट्रांग है तो पीएच हमेशा 7 ही जाएगा, अगर उनमें से एक भी पोर्शन वीक हो गया, एक भी पोर्शन वीक हो गया तो आपके साल्ट हाइड्रोलिसिस में पड़ ही जाएगी।